गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी ठीक ही होंगे। और जो स्कूल द्वारा जो भी कार्य आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेजा जाता है उसको प्रॉपर तरीके से अपनी नोटबुक में कर रहे हैं। हम जो यहाँ पर कोरोना रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको भी आप ध्यान से देख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आगे की आज अपने क्वेश्चन करवाते हैं। चलो, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कारण मिलन अभ्यास को स्थगित कर दिया है? पहला ऑप्शन है कैंसर, बी ऑप्शन एड्स, सी ऑप्शन है कोरोना वायरस, डी ऑप्शन है स्वाइन फ्लू। तो हाल ही में मिलन जो अभ्यास है वो सबको पता है कि कोरोना वायरस के कारण डिले कर दिया है या स्थगित कर दिया है। मिलन अभ्यास नौसेना द्वारा किया जाता है, नौसेना द्वारा किया जाता है। 18 से ये होना था, 18 से 28 मार्च विशाखापट्टनम। कहाँ होना था ये? 18 से 28 मार्च विशाखापट्टनम में होना था मिलन अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया है? पहला ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है इटली और डी ऑप्शन है ईरान। तो भारत देश ने महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया है। इसी में ये कानून जो किया है ये हमारे डॉक्टर व पुलिस पुलिस पर हमलों के कारण किया है। याद रखना है ये कि क्वेश्चन यही बन सकता है, डॉक्टर व पुलिस पर जो हमले हो रहे थे उसको रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया है? तो वो लागू किया है महामारी रोग अधिनियम 1897। यहाँ पर भारत है तो ये देशों का नाम है तो यहाँ भारत है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर व पुलिस पर हमलों को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है, तो वो है महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से जागरूकता फैलाने के लिए दो रोबोट को कहाँ तैनात किया गया है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसका उत्तर है केरल। केरल जो राज्य है उसने दो रोबोट्स को तैनात किया है मास्क और सैनिटाइज बांटने के लिए, मास्क है सैनिटाइज बांटने के लिए इन रोबोट्स को तैनात किया है। किसने किया है? केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मार्च 2020 के अंत तक देश में यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? पहला ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है ईरान। तो यहाँ पर भारत वह देश है जिसने मार्च 2020 के अंत तक देश यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के लोगों को प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोरोना इन्फॉर्मेशन हब को लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है व्हाट्सएप, बी ऑप्शन है फेसबुक, सी ऑप्शन है इंस्टाग्राम, डी ऑप्शन है गूगल। तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप है उसने हमारा उत्तर होगा कोरोना इन्फॉर्मेशन हब को लॉन्च किया है, जिसको उसने एक चैट बॉट के नाम से एक फीचर वो लॉन्च किया था
जिसमें एक नंबर दिया था, तो वैसे ये है कोरोना इन्फॉर्मेशन हब। ये दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से करना है, इनका आंसर व्हाट्सएप ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ है? तो किस देश में वो पहला ऑप्शन है हमारे पास, जर्मनी, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है अमेरिका और डी ऑप्शन है चीन। तो यहाँ पर जो अमेरिका है इसने पहला मानव ट्रायल शुरू किया है वैक्सीन का 18 से 55 साल वाले लोगों पर। लोगों 45 व्यक्तियों लोगों पर ये पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ है। पहला मानव ट्रायल किसने शुरू किया? अमेरिका ने। किस देश की फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना वायरस के पहले रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? पहला ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन अमेरिका है, सी ऑप्शन भारत है और डी ऑप्शन है इटली। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जो कंपनी, ये संस्था है, ये अमेरिका की है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिका वह देश है जिस अमेरिका फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन संस्था ने रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है। ये 45 मिनट में ही कोरोना वायरस का पता लगाने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस अनुसूची में संशोधन करके फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया है? आवश्यक वस्तु घोषित करने का कारण था कि जो दुकानदार हैं वो फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को अपनी मनमानी कीमत पर बेच रहे थे, उनको सबक सिखाने के लिए अधिनियम किया है। पहला ऑप्शन है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, बी ऑप्शन है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1977, सी ऑप्शन है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1897, बी और डी ऑप्शन है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1942। तो जो हमारे यहाँ पर आंसर है वो है ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR रिसर्च के मुताबिक अमेरिका जापान को पीछे छोड़कर कौन सा देश कोरोना को कंट्रोल करने में दूसरे स्थान पर है? पहला ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। ICMR, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है भारत। भारत दूसरे स्थान पर है, किसको कोरोना को कंट्रोल करने पर दूसरे स्थान पर है, और पहले स्थान पर कौन सा है? दक्षिण कोरिया, ये दूसरे स्थान पर है। ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च सेंटर के मुताबिक भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर कौन सा? अब दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? पहला ऑप्शन है वाराणसी, बी ऑप्शन है गोरखपुर, सी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी और डी ऑप्शन है भोपाल। तो यहाँ पर जो अहमदाबाद है हमारा सही आंसर है। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? अहमदाबाद। और कल एक क्वेश्चन करवाया था, वीस सेफ सैनिटाइजर। वी शेप का जो सैनिटाइजर है वो किसने स्थापित किया था? तेलंगाना ने। इनमें
ध्यान रखना है, सैनिटाइजर टनल। पहला रेलवे स्टेशन का नाम आएगा तब आपको अहमदाबाद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में भारत पढ़े ऑनलाइन, क्या है भारत पढ़े ऑनलाइन मुहिम की शुरुआत की है। पहला ऑप्शन है रक्षा शिक्षा मंत्रालय, बी ऑप्शन रेल मंत्रालय, सी ऑप्शन राज्य मंत्री ने, या डी ऑप्शन मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो भारत पढ़े ऑनलाइन की शुरुआत की है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई है, भारत पढ़े ऑनलाइन की। इसको इसकी वो शॉर्ट फॉर्म है MHRD, MHRD मानव ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत मुफ्त LPG सिलेंडर देने की घोषणा की है। पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री जिज्ञासा योजना, सी ऑप्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और डी ऑप्शन प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना। तो मुफ्त जो सिलेंडर दिया जाएगा वो दिया जाएगा सी ऑप्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। पीछे शुरू की गई थी जिसमें फ्री सिलेंडर कॉपी बनाई गई थी। तो अब जो मुफ्त LPG सिलेंडर देने की घोषणा की है वो किस योजना के तहत की है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त LPG सिलेंडर देने की घोषणा की है। लास्ट क्वेश्चन है, COVID-19 की जानकारी के लिए भारत सरकार या स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सी ईमेल आईडी जारी की है। पहला ऑप्शन ncov-2019@gmail.com, बी है covid19@gmail.com, सी है coronavirus@gmail.com, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा नो, ncov-2019@gmail.com। ये आईडी भारत सरकार या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। जो एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था जो 1075 था, कभी भी आप फोन करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हेल्प 24 घंटे जारी है। इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको जो भी कमी वगैरह लगे मुझे व्हाट्सएप के द्वारा भी बता सकते हैं, और जी इसके कमेंट बॉक्स में जाके भी मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं और भी आपको बेटर तरीके से पढ़ा सकूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।